बच्चों ये आपकी क्या है? व्याकरण सरोवर है, ये आपकी व्याकरण पुस्तिका है, कक्षा दो। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ पांच, लिंग। लिंग मतलब क्या होता है? जेंडर। लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा निशान। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द पुलिंग तथा स्त्री जाति की पहचान कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, वह पुलिंग कहलाते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि वह स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अध्यापक चेतन को पढ़ा रहे हैं, सविता माँ के साथ बाजार जा रही है। अब ऊपर इन चित्रों में आपको क्या पता चलता है इन चित्रों की सहायता से? यानी इसमें क्या बात हो रही है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं चेतन को। तो चेतन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी हमने एक स्पेसिफिक बच्चे का नाम लिया, यानी एक विशेष बच्चे का नाम लिया, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अध्यापक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अध्यापक कोई भी हो सकते हैं, यहाँ उनका नाम नहीं लिया है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये दोनों ही क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये क्या है? ये है पुलिंग कहलाएंगे, ये दोनों पुलिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब नेक्स्ट चित्र में हमने क्या देखा? माँ। यहाँ किसकी बात हो रही है? माँ की। माँ तो कोई भी हो सकती है, किसी की भी माँ हो सकती है, यहाँ उनका कोई विशेष नाम नहीं लिया गया, तो माँ क्या है? माँ जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। और यहाँ सविता नाम लिया है, सविता क्या है? इस बालिका का नाम है, एक पर्टिकुलर नाम लिया है, एक विशेष नाम लिया है बालिका का, तो ये क्या है? सविता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन माँ और सविता दोनों ही किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग कहलाएंगी, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध कराती हैं। चलो अब जल्दी से इसकी एक परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से या चिन्ह से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई संज्ञा पुरुष जाति की अथवा स्त्री जाति की है, उसे लिंग कहते हैं। यानी जिससे हमें यह पता चले कि यह संज्ञा जो है पुरुष जाति का बोध कराती है या ये स्त्री जाति का बोध कराती है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले। अब देखते हैं पुलिंग किसे कहते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुलिंग कहते हैं। जैसे छात्र लड़का है, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। ये व्यक्ति है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, इन्हें बूढ़ा कहा गया, ये भी व्यक्ति है, तो ये पुलिंग है। मुर्गा, बैल, मोर, बकरा, ये सभी क्या है? ये पुलिंग जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र क्या है? यहाँ लड़की है। बुढ़िया यानी एक स्त्री की बात हो रही है। मुर्गी, गाय, मोरनी, बकरी, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते, ये हमें पहले हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सभी संज्ञा शब्द जरूरी नहीं कि प्राणी हो, वो वस्तु भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसे शब्दों में पुलिंग की पहचान करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इन संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग और पुलिंग की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं, उनके साथ लगे विशेषण द्वारा। जैसे खट्टा या खट्टी, जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं तो हमें कई बार संज्ञा शब्दों की पहचान कि वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है विशेषण शब्दों द्वारा पता चलती है। जैसे नींबू खट्टा है, अब खट्टा क्या है? पुलिंग जाति का बोध करा रहा है ना। अगर नींबू खट्टी है होता तो ये नींबू क्या होता? स्त्रीलिंग होता, लेकिन ये खट्टा है यानी ये क्या है? पुलिंग जाति का बोध कराता है। लीची खट्टी है, अब इसमें विशेषण शब्द लगा हुआ है खट्टी, तो इससे पता चलता है कि लीची स्त्रीलिंग जाति का बोध कराती है। ठीक है, अब हम देखते हैं। जैसे उनके साथ लगी क्रिया द्वारा, कुछ शब्दों की पहचान उनके साथ लगी क्रिया से भी होती है। जैसे पहना, पहनी, धोया, धोई, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। इनसे भी हमें पहचान होती है कि वे स्त्री जाति की बात हो रही है या पुरुष जाति की बात हो रही है। शाहिद ने कोट पहना है, अब शाहिद ने कोट पहना है, यहाँ पहनी है नहीं है, पहना है, यानी कोट क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है।
रोहित ने कमीज पहनी है। अब कमीज की बात हो रही है, कमीज क्या है? पहनी है, यानी कमीज जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। पहना शब्द से पता चलता है पहनने वाली चीज पुलिंग है, अर्थात कोट पुलिंग है। पहनी शब्द से पता चलता है कि पहनने वाली चीज स्त्रीलिंग है, अर्थात कमीज स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब पता आपको ये समझना है कि कई बार हमें विशेषण द्वारा और क्रिया द्वारा भी स्त्रीलिंग और पुलिंग की पहचान करनी होती है। अब ध्यान रखने योग्य बातें देखते हैं। शब्द चाहे सजीव हो या निर्जीव, वह पुलिंग होता है या स्त्रीलिंग। ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई लिंग ना हो, यानी सभी शब्दों का लिंग जरूर होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुलिंग हो। नीचे कुछ ऐसे निर्जीव शब्द दिए हैं जिन्हें हमें पहचानना है। पुलिंग, चमचा, चांद, तारा, पपीता, ये सभी क्या हैं? पुलिंग शब्द हैं। माथा, सिर, पेट, ये सभी पुलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग, ककड़ी, गाजर, मूली, नदी, टांग, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग जाति का बोध कराती हैं। ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पे कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना भी है और हमें इन्हें याद भी करना है। आई थिंक आप सभी को लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुलिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।